दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से लेके, जो कि बिग न्यूज़ है और आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है। कल 7 नवंबर को अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करने की पहल श्री योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं इन सभी से वार्ता। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि हमको प्राप्त हुआ है सूत्रों के माध्यम से। हमारे सूत्रों ने बताया है कि कल एक बैठक हो सकती है जो कि सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और उसमें वार्ता करेंगे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर, और समस्याओं को लेकर क्या उनको हल करने के लिए कल मेरे ख्याल से बैठक हो सकती है और देखते हैं क्या हल उसका निकलेगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। दिवाली भी निकल गई, कह सकते हैं कि दिवाली टाँटें फिस हो गई है शिक्षा मित्र अनुदेशकों की। दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई धमाका नहीं हुआ। पहले से खबरें आ रही थी कि दिवाली धमाका होगा शिक्षा मित्र अनुदेशकों के जीवन में, सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन अभी तक कुछ बड़ा नहीं हुआ है। हालांकि ये पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है कि वार्ता ज़रूर आपस में कर रही है सरकार एक दूसरे से और हल निकालने के लिए कोशिश कर रही है, लगातार चिंतित है और बिल्कुल कुछ ना कुछ डिसीजन उन्होंने लिया है जिसके लिए कमेटी गठित की गई थी और लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो रहा है कि क्या ऐसा किया जाए ताकि हमारे वोट बैंक पर भी असर ना पड़े और इनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जाए। साथियों यहाँ पर जो खबर है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर यही खबर आ रही है कि कल एक बैठक हो सकती है 7 नवंबर को, जिसमें सरकार बात करेगी डायरेक्ट शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लोगों से, उनके नेताओं से, कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए उनको। सारी मांगें रख दी गई हैं कमेटी में पहले से ही, अब शायद निर्णय भी ले लिया होगा सरकार ने कि क्या करना है, क्योंकि जो करना है सरकार तो करेगी ही। यहाँ पर ये खबर, नई खबर है आपके लिए, बड़ी अपडेट हो सकती है। साथियों जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते हैं एक और अपडेट बड़ी निकल कर आ रही है। सरकारी नौकरी प्रस्तुत है समाचार विस्तार पूर्वक प्राइमरी का मास्टर डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ से, ये चैनल से लिया गया है और आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का यूपी में बढ़िया चांस, प्रारंभिक आर्थ परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी ज़रूर पढ़ेंगे न्यूज़। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। साथियों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार बेरोजगार युवाओं को सरकार नौकरी का गिफ्ट देने जा रही है। मिशन रोजगार को और विस्तार देते हुए उत्तर प्रदेश के कई सरकारी विभागों में बंपर भर्तियां शुरू होने वाली हैं। साथियों चुनाव नज़दीक है इसलिए ये सब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप लोग इसको नोट कीजिए, पॉइंट टू बी नोट। 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों की सरकारी नौकरी देने का दावा करने वाली योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 और नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। यानी सरकार 5 साल में 5 लाख नौकरियां देगी, अपना वादा पूरा करने के लिए वो ये सब करना चाहती है। यूपी सरकार सरकारी विभागों में समूह गा की भर्तियों के लिए पिछले माह उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET का रिजल्ट घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड UPSSSC अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 9,212, राजस्व लेखपालों के लिए 7,882 रिक्त पदों समेत क्लर्क और टेक्नीशियन के लिए 23,000 पदों पर भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षाएं आयोजित करेगा। PET के रिजल्ट के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक अर्हता परीक्षा का स्कोर 1 वर्ष के लिए मान्य है, इसलिए आयोग की कोशिश है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करे। इस उद्देश्य से आयोग दिसंबर से पहले प्रत्येक माह 2 मुख्य परीक्षाएँ आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भर्तियों के लिए अधिसूचना इसी महीने जारी की जाएगी। विभिन्न विभागों में खाली पड़े समूह गा के 50,000 से अधिक रिक्तियों में से 23,000 रिक्तियों के सापेक्ष उम्मीदवारों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
सेवा चयन आयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए नवंबर में विज्ञापन निकालकर दिसंबर में मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। आयोग राजस्व लेखपालों के तकरीबन 8,000 रिक्त पदों पर भी भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तैयारी भी कर रहा है। अधिसूचना UPSSSC द्वारा आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जानकारी मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू हुई। इसके साथ साथ में राजस्व लेखपालों की भर्ती में भेजिए खबर दूसरी आ रही है, और हमने आपको बता दिया यहाँ पर ये पद हैं तो क्या भर्तियाँ, इन पदों पर भर्तियाँ होनी है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 9212, लेखपाल 7882, कृषि प्राविधिक गन्ना परीक्षक 25, कनिष्ठ सहायक अंशुलिपिक 2000 और प्राविधिक सहायक टेक्नीशियन 1200। चलते किसी और।